हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोही कुकिंग चैनल एंड लाइफस्टाइल। और फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी एकदम सिंपल तरीके से। इसके लिए मैंने कटी हुई 4-5 लहसुन की कलियां ली हैं, 4-5 हरी मिर्ची को कट कर लिया है, थोड़ा सा जीरा, एक चुटकी हींग और स्वादानुसार नमक। और मैंने आधा किलो भिंडी ली है, इन्हें मैंने पहले ही धो के अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दिया था और कट करके एक छलनी में रख दिया है। अभी कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है और अभी इसे गर्म होने दूंगी। अभी ऑयल गर्म हो चुका है तो अभी इसमें जीरा, लहसुन की कलियां और हरी मिर्ची डाल के इन्हें थोड़ी देर में अच्छे से भून लेंगे। अब फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी लहसुन मिर्च अच्छे से भून चुकी हूँ तो अभी मैं इसमें नमक, एक चुटकी हींग और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और इन्हें एक बार अच्छे से फिर से इसमें मिला लूंगी। और अभी अच्छे से मिल चुके हैं तो अभी मैं इसमें कटी हुई भिंडी डाल दूंगी और इन्हें इसमें मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अभी अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अभी मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है और इसे मैं ढक के 5 मिनट तक पकने दूंगी। अभी 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी भिंडी आधी पक चुकी है। और अभी ना इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन है, आप देख सकते हैं, तो अभी इसमें मैं आधा नींबू का रस डालूंगी। नींबू का रस डालने से भिंडी में जो भी चिपचिपापन होता है ना, वो निकल जाता है। अभी एक बार इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी ताकि नींबू का रस इसमें मिल जाए। और अभी 5 से 6 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देना है गैस की फ्लेम कम करके। अभी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं भिंडी की सब्जी हमारी बनके रेडी है। अभी मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल दूँगी। और फ्रेंड्स, ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मोही कुकिंग चैनल एंड लाइफस्टाइल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। और ये भिंडी की सिंपल रेसिपी आप घर पर जरूर बना के देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।